मेरे यहाँ के कस्टमर मैक्सिमम, अगर वो आप रेंडमली भी कैमरा चालू करो भाई फैसल भाई का कैसा है, तो वो बताए कि भाई ये बंदा तो नाक से सर्दी भी निकलती है तो वीडियो बना के डालता है कि आपके बकरे को सर्दी हुई है, मैंने ये भी डाल दिया। अच्छा, तो बकरे आप खरीदते हो जैसे भी खरीदते हो सकता है पहले से भी बीमार होते रहेंगे, तो लंग जो ऑर्गन है ना इनका बहुत कमजोर ऑर्गन है जी, वो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। अगर ये क्लाइमेट में बकरा अगर बुखार में आता है और उसका लंग ज़्यादा इन्फेक्टेड है, डैमेज है, तो पॉसिबिलिटी मोर्टेलिटी की। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत फैसल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, दुआ है। फैसल भाई, आरके गोट फार्म में आज मैं पहली बार आया जी। अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश तो मैं बहुत कर रहा था कि आपसे मुलाकात करूं, लेकिन कुछ वक्त नहीं मिल पा रहा था मुझे, कुछ आपको नहीं मिल पा रहा था जी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मुलाकात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। और मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं जितने भी गोट फार्म में घुमा हूँ अभी तक, मैं पहली बार आरके गोट फार्म इतना बड़ा देखा, और केजिस जो बने आपके जी माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन। आपसे ये पूछना था, जैसे आपने केजिस बनाया, हंसा का अलग, कोटा का अलग, हर बकरों का अलग, खस्सी का अलग, तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी बकरे भी आपने 90 प्लस वाले अलग रखे जी, हर चीज़ अलग रखे आपने, कुछ बकरों की पलाई के बारे में बताइए। पलाई का रेट जो है ये साल था मई के एंड तक हमारा है, अंडू का 3,500, खस्सी का 3,000 था, लेकिन जून से 3,900 अंडू का होगा जी, और खस्सी का होगा 3,500। वो भी ऐसा है कि अगर कोई खस्सी केज में रहता है जी, तो उसको केज की पलाई ली जाएगी 3,900। अच्छा, अगर कोई अंडू ओपन में रहता है, क्योंकि कुछ बकरों की अलग अलग ये रहती है, फितरत रहती है, वो सारे बकरे है मेरे पास जो खस्सी है वो केज में है जी, और कुछ अंडू है जो ओपन में। अच्छा, तो जो ओपन में रहेगा उसका 3,500, जो केज में रहेगा उसका 3,900 जी, माशाल्लाह। और वैक्सीनेशन कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं है, मैं कोई भी लिविंग एंड डेथ की वारंटी गारंटी नहीं लेता हूँ, ना वजन की वारंटी गारंटी लेता हूँ, लेकिन मेहनत 100% करूँगा इंशाल्लाह। वो तो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, जितने भी बकरे देगा आपके यार, मैं बहुत दिल खुश हो गया मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो अच्छा ही बात करेगा ना, मैं सामने हूँ इसीलिए। नहीं 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 फैसल भाई, ऐसी बात नहीं है कि आप सामने हो तो। हाँ। मैंने आपका यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखा। हाँ। और जितने भी बकरे देखा, मेरा दिल पहले से ही हो रहा था कि फैसल भाई का एक वीडियो बनाऊंगा मैं। और माशाल्लाह आपके जो कस्टमर है जिन्होंने आपको पलाई के लिए दिया है, अभी यहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने भी आपकी तारीफ़ किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया। और आपके पीठ पीछे भी मैं वहाँ पे अभी मेरे को मिले तो वो बकरे के साथ जब खड़े थे तो बहुत खुश थे। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, पार्ट ऑफ बिजनेस है जी, क्या है कि हर कस्टमर नहीं खुश हो पाता है, क्योंकि हर बकरा नहीं बन पाता जी, ये फैक्ट है ये फील्ड के बारे में जी, कोई मानो या नहीं मानो जी। क्योंकि हमारे यहाँ पर है ना, एक्चुअली क्या है, ये हमारे यहाँ पर पॉलिटिक्स में ना एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है जी, और हमारे बकरेबाजी में यूट्यूब यूनिवर्सिटी चलती है जी। तो यूट्यूब यूनिवर्सिटी में ना बहुत ज़्यादा अच्छा ही बताए जाते हैं, जो फैक्ट नहीं बताए जाते। फैक्ट है ये फील्ड की जी, क्या मॉर्टेलिटी होती है इसमें। अच्छा, पार्ट ऑफ बिजनेस है, हर बकरा नहीं बनता, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये यकीन मानना पड़ेगा। क्योंकि न्यू जनरेशन जो आ रही है ना, वो भटक रही है। मेरे पास लास्ट 15 दिनों में, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टी हुई है, कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए यहाँ पर कंसल्ट किए हुए, बोले भाई इनको है ना फार्म डालना है जी। तो मतलब क्यों डालना है जी? तो बोले क्या बहुत, मतलब उनका नज़रिया ऐसा है क्या बहुत पैसा है इसके अंदर। अच्छा, और दूसरी बात ऐसा है कि डालना है इसलिए क्या, बकरे हर बकरा बनता है, मतलब बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हारे को पहले बीमार बकरे बताता हूँ जी। बैठे यहाँ पर, देखो एक बकरा है मेरे यहाँ पर क्वारंटाइन में, उसको उडन टर्न डिजीज़ हुआ है। अच्छा। एक साल से मेरे पास पल रहा है। अच्छा। कुछ भी नहीं था जी, अभी सडनली एक महीना पहले उडन टर्न डिजीज़ हो गया। अच्छा। मतलब ये जॉ लॉक हो गया। तो ये परखना ज़रूरी है, बेसिक जानना ज़रूरी है, आपको दवाई परखना ज़रूरी है, उसके पीछे दवाई के पीछे कितना पैसा जाता है, फीड कौन से टाइम पे कितना देना चाहिए, कंजम कितना करता, वो देखना ज़रूरी है। उनको पूरे दिन मैंने साथ में रखा, पूरा फार्म घुमाया, हमारी जो मेहनत है, मेरे स्टाफ की जो मेहनत है, हम लोगों का फीड जो प्रोग्राम चलता है, मैं किसी से कोई चीज़ छुपाता नहीं, सामने बनाया, ये देखो ये मेहनत है, ये देखने का है। फिर हम लोगों ने दौरा मारे, हर बकरा चेक किए, वो भी पता है। तो उनके वालिद साहब और जो भी आए थे, उनके वालिद साहब बोले ये देखिए कितनी मेहनत है। तो मैं न्यू जनरेशन को बोलूँगा कि ये मैक्सिमम यूट्यूब पे जो अच्छे बकरे बताते हैं, फैक्ट नहीं बता देखते हो आप, फैक्ट जानना है आपका ये फील्ड में, तो 2 बकरे घर पे पाल लो, आपको असलियत पता चल जाएगी ये फील्ड की, कि आप कितने बकरे बीमार रहते हैं, कितने दवाई में पैसे जाते हैं। और न्यू जनरेशन को ये भी सजेशन देना चाहूँगा कि आप पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दो, हमारे कौम के बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है,
उनको आगे बढ़ना ज़रूरी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब लेना ज़रूरी है। ये हमारे फ्यूचर के लिए, आने वाले तुम्हारे फ्यूचर के लिए। हमारी तो उम्र निकल गई भाई, हम जैसे तैसे निकल गए, लेकिन आप लोगों की जो फ्यूचर है, आप पढ़ रहे हो तो पहले पढ़ाई करो, अच्छे खासे अपना ये करो, और अगर आपको डालना ही है तो अपने पैसे से डालो काम, अपने वालिद साहब ने जो आपके लिए मेहनत किए, इतने साल बाहर रहे हुए, उनके पैसे मत बर्बाद करो। करना है शौक आपको, दो बकरे अगर घर पे रखने की जगह नहीं, कोई भी फार्म पे, आप, मैं ये नहीं बोलता हूँ मेरे फार्म पे, कोई भी फार्म पे आप बकरे रखो, आपको पर्सनली एक्सपीरियंस हो जाएगा क्या बकरा कितने टाइम बीमार हो रहा है, कितने टाइम नहीं है। हाँ, मेरे फार्म पे ऐसा है क्या, पल पल की खबर है, मेरे कस्टमर्स जो है आए हुए अभी घूम रहे हैं सब, आप उनको पूछोगे ना कि भाई क्या है, अभी कल ही अभी ये दूसरी गाड़ी में आए हुए कस्टमर, उनको पूछो कर रात में उनके बकरे को ड्राई निमोनिया हुआ, रात में 1:30 बजे मैंने वीडियो भेजा। अच्छा, तो ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये जानना ज़रूरी है। पैसा देखो, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह बकरा बनता ही अल्लाह के हुक्म से है, और बकरा बीमार और उससे शिफा भी अल्लाह के हुक्म से होती है, दवाई में वो कोई तासीर नहीं है जब तक अल्लाह ना चाहे। सही बात, तो अल्लाह चाहे तभी तो दवाई में शिफा होगी जी, और अल्लाह चाहे तभी तो बकरा बनेगा जी। मेहनत हम कर रहे हैं वो भी अल्लाह के हुकुम से अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह तो आपको ये बकरे फिट एंड फाइन दिख रहे जी। लेकिन आपको रियल और फैक्ट ये गोल्ड फील्ड की जानना है ना जी, आप मेरे पास जुलाई अगस्त सितंबर में आओ जी, मैं आपको बता दूंगा लाइन कितने बकरे बीमार रहते हैं जी जी। ये क्वारंटाइन एरिया हो जाता है वो टाइम पे। अच्छा, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बकरे जो आते हैं पीपीआर कंडीशन में, मॉर्टेलिटी रेशियो जून जुलाई अगस्त सितंबर अगस्त, ये 5 महीने में मॉर्टेलिटी रेशियो की तादाद ज़्यादा रहती है जी। हकीकत ये है, अप्रैल के महीने में मेरे यहाँ पर 3 बकरे की मॉर्टेलिटी हुई है। अच्छा, एक बकरा विदाउट एनी रीज़न, कुछ बीमार नहीं कुछ नहीं है, सडन डेथ में दिखा फार्म पे। एक दिन पहले हम लोगों ने पूरा चेक किया, उसके एक दिन पहले कस्टमर आके खेल के गए उसके साथ। सेकेंड एक बकरा मेरे पास जो आया था 5 महीने से सेट था, और तभी 2 महीना बुखार में चला, बाद में यहाँ पर बीमार हुआ, 5 दिन में इसकी डेथ हो गई। तीसरा एक बकरा जो डेथ हुआ है मेरे पास आके 1 महीना हुआ, 15 दिन के बाद में बुखार में आया, और उसके बाद में बुखार चलते गई, रुकड़ा ठीक हुआ, बुखार से मैंने कस्टमर को वीडियो भी डाला, भाई आपका बकरा नॉर्मल में हुआ है, ऑब्जर्वेशन अभी भी देख रहे। कल सुबह की बात है, बाहर प्लेइंग एरिया में बकरा बैठे बैठे दम तोड़ दिया। अच्छा, कुछ भी नहीं, मतलब बुखार में आ गए जी जी। पोस्टमार्टम किया गया तो उसको पूरे लंग डैमेज थे। अच्छा, तो बकरे आप खरीदते हो जैसे भी खरीदते हो सकता है पहले से भी बीमार होते रहेंगे, तो लंग जो ऑर्गन है ना इनका बहुत कमज़ोर ऑर्गन है जी, वो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। अगर ये क्लाइमेट में बकरा अगर बुखार में आता है और उसका लंग ज़्यादा इन्फेक्टेड है, डैमेज है, तो पॉसिबिलिटी मॉर्टेलिटी की, जून जुलाई अगस्त में बीमारी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, पीपीआर, एफएमडी, रूमेन एसिडोसिस, ये सब बीमारियाँ थी। फिर नवंबर में लिस्टोसिस की बीमारियाँ थी, तो ये पूरे साल भर झेलने के बाद में जो आपके सामने जो तैयार बिरयानी दिख रही है ना जी जी, वो ये है। तो हाँ, हम आते हैं जब देखते हैं अरे माशाल्लाह क्या बकरे हैं, हाँ, लेकिन बैक साइड का हमारे को नहीं पता होता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो उसके पीछे, बोलने का मकसद भाई है। देखो, फैक्ट ऐसा है कि ये फील्ड की फैक्ट है, मॉर्टेलिटी पार्ट ऑफ बिजनेस है। अगर ये हर फार्म वाला बताना चालू करे ना तो लोग अपग्रेड होएंगे जी। मेरे यहाँ के कस्टमर्स है ना, मेरे यहाँ के कस्टमर मैक्सिमम, अगर वो आप रेंडमली भी कैमरा चालू करो भाई फैसल भाई का कैसा है, तो वो बताए कि भाई ये बंदा तो नाक से सर्दी भी निकलती है तो वीडियो बना के डालता है कि आपके बकरे को सर्दी हुई है, मैंने ये बता दिया। तो ये जानना ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, फार्म पे एक सर्टिफाइड डॉक्टर रहना ज़रूरी है, टीम वर्क होना ज़रूरी है जी, एक स्टाफ को लेके चलना ज़रूरी है। हम लोग जब फार्म चलाते हैं ना, पहली बात तो हम लोग बकरे संभालते हैं जी, दूसरी बात हमारे को स्टाफ संभालना पड़ता है। कभी भी कोई भी स्टाफ का मेंबर रात में ना बैग उठा के भाग जाता है। अच्छा, तो उसमें से अगर भाग गए, अभी जनवरी की बात है, मेरे 4 आदमी भाग गए, मेरे 2 आदमी रह गए थे, उसके साथ में हमको भी हमाली करना पड़ी। सही बात, कभी भी कुछ भी चले जाए भाई, उनका मूड बोला भाई नहीं रहने का, सैलरी अच्छी जी, खाने के लिए कोई धोख नहीं, यहाँ तक कि चप्पल उनकी टूटती है तो वो भी ला के दे दिया जाता है, उसके बावजूद भी जाता है। जुल्म मेरे यहाँ पर रहने, मेरे मुँह से मेरे स्टाफ के लिए गाली निकलती नहीं है कभी, मेरे स्टाफ को भी बुजुर्ग, मैं कभी गाली नहीं देता हूँ, स्ट्रिक बात करता हूँ, कोई गलत होएगा ये होएगा, क्योंकि भाई देखो जिससे मेरा घर चलता है, जिससे उनका घर चलता है, तो उनके पर ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद में कस्टमर को संभालना, कस्टमर को ऐसा है कि कुछ भी हुआ तो कस्टमरों के 10 सवाल हैं, संभालते संभालते ऐसे बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो पलाई का पैसा डालते ही नहीं है,
पलाई का मैसेज डालेगा तो रीड करने के बाद में रिप्लाई नहीं देते। हाँ, बकरा बीमार हो गया तो उसके बारे में बराबर है, वेट रिड्यूस हो गया, ये महीने में वेट सिर्फ 1 kg 2 kg रिड्यूस हो गया तो उसके ऊपर बात करो। भाई बकरे का तो वजन नहीं बढ़ा, भाई तू 6 महीने से पलाई भी तो नहीं डाला। सही बात, पलाई आपकी नहीं आ रही है 6 महीने से, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बकरों को खिला रहे क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक है, मैं भूखा नहीं रख सकता। तुम्हारी तुमने गलती की है, उसकी सज़ा मैं क्यों भुगतूँ और उसकी सज़ा वो जानवर को क्यों दूँ? क्योंकि वो आखिर वो रात में जब जानवर अपना चेहरा और या सर उठाता है ना, अगर मेरी अच्छी खिदमत है उनके लिए और अच्छा मैं काम कर रहा हूँ, बराबर उनको खिला रहा हूँ, तो मेरे लिए दुआ करेगा। अगर मैंने उसके ऊपर जुल्म किया है, उसको खाना बराबर नहीं दिया, दवाई पानी बराबर नहीं दिया, उसके ऊपर केयर टेकिंग बराबर नहीं किया, तो मेरे लिए बदवा करेगा। सही, ये हदीस है, आप पढ़ लो, अगर यकीन नहीं मानो तो मैं उसके ऊपर अमल करके चलता हूँ। मैं सच बताता हूँ, इसलिए मैं मार्केट में बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। नहीं फैसल भाई, मैं अच्छा फैसल भाई, एक सवाल आपसे ये था जी, जो मैंने खस्सी बकरे का बाड़ा देखा, हाँ, खस्सी बकरे जो है, हाँ, उसकी पलाई का क्या चार्जेस बताया आपने, एक बार दोबारा बता दीजिए। ओपन में अगर कोई भी बकरे वो ओपन है ना, हाँ, वो छोटे हो लाओ और या बड़े लेके आओ जी, 3,500 रुपए के नीचे नहीं है जून से। जून से ना, किसी को भी डिस्काउंटेड नहीं है। मेरा सगा भाई का, मेरा खुद के बकरे है, ये मेरा बकरा है पीछे जी जी, मैं इसकी भी पलाई मेरे अकाउंट में डालता हूँ अलग से, कंपनी के अकाउंट, तो मेरे लिए भी डिस्काउंट नहीं, तभी तो मेरे को ओवरऑल मालूम पड़ेगा। मैं दूसरों से पलाई ले रहा हूँ और मेरा बकरा फ्री में पर रहा है जी, गलत बात हो गई ना। तो जब मैं इससे कमा रहा हूँ तो मेरे को इससे निकाल के देने क्या, तो मैं दूंगा उसमें। फैसल भाई, वैसे आपको शायद याद होगा जब मेरा चैनल 4 महीने पहले नया शुरू हुआ था और मेरे सब्सक्राइबर 10 से 15 थे जी, तो मैंने पहला कॉल आपको भी किया था और ये कहा था आपसे कि मुझे वीडियो बनाने मिलेगा आपके पास, तो आपने कहा इश्तियाक भाई आपके एक सब्सक्राइबर हो या 1,000 सब्सक्राइबर हो, आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरे यहाँ आ सकते हो और मुझे बहुत खुशी हुई थी जी। मेरे यहाँ पर देखो इश्तियाक भाई, ऐसा है कि कोई भी यूट्यूबर्स मतलब ऐसा है कि नॉट अलाउड ऐसा नहीं, हर यूट्यूबर वेलकम है जी, या मेरे यहाँ पर कोई बकरा भी नहीं भी रखा ना वो भी वेलकम है जी। तो नए लोगों को है ना, मेरी परंपरा बन चुकी है नए लोगों को बढ़ावा देने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सपोर्ट करता हूँ उनको, नए लोगों को। बाद में वो कामयाब हो जाते हैं तो भूल जाते हैं, वो अलग बात है जी। शायद आप भूलोगे, नहीं भूलोगे मेरे को, नहीं नहीं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मैं किसी को नहीं भूलूं, आपके अलावा और जितने लोगों का बनाया और बनाऊंगा आगे इंशाल्लाह, किसी को नहीं भूलूंगा, अल्लाह ने चाहा तो। देखो एक मशवरा देना चाहूँगा, आप जब भी यूट्यूब, आप यूट्यूबर हो जी, तो आप कोई भी फार्म पे जा रहे हो ना, तो किसी भी वन साइड फार्म वाले की तारीफ नहीं करो, आप ना सच बताओ जी। अगर फार्म पे सच्चाई चल रही है तो सच बताओ जी, अगर आपके कोई फार्म पे गलत हो रहा है तो आप रैंडमली सवाल करो जी, क्या ये गलत है भाई, ये नहीं है। अब मैक्सिमम आपके सब्सक्राइबर लोगों की सोचो जी, तभी आपका यूट्यूब चैनल अच्छा ये होगा, क्योंकि आपको कस्टमर को रिप्रेजेंट करना है, ये फार्म आपका फार्म रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप कस्टमर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप कस्टमर के आए हैं यहाँ पर फार्म शो करने के लिए जी। फार्म वाले लोगों को ऐसा है क्या, कुछ फार्म वाले चार्जेस देते हैं कुछ नहीं देते हैं जी, तो वो पैसा लेके फिर आप सिर्फ बड़ाई करोगे, उनकी तारीफ करोगे जी, तो ये बायस हो जाएगा। बराबर, सच बात करो जी, और मैं यकीन रखता हूँ कि उसके पर क्या लोग सच बात करेंगे तो अच्छी बात है, और सच के साथ में काम करोगे ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पैसे में जो बरकत है, सुकून है, वो और किसी में नहीं। मेरी जीरो मार्केटिंग के ऊपर मैंने हमेशा मॉर्टेलिटी की बात किया हूँ, हमेशा बीमारी की बात किया हूँ। आप पूरा फार्म घूमे, मेरा पूरा फार्म फूल है अल्हम्दुलिल्लाह जी। लोग मेरे को बोलते थे, मेरे दोस्त है, मेरे पहचान वाले मैक्सिमम लोग बोलते थे, भाई ये तुम बोल रहा है कि मॉर्टेलिटी तेरी है ना, डी मार्केटिंग हो रही है जी। मैं बोला भाई मेरा तवक्कल अल्लाह के ऊपर है, अगर मेरे अल्लाह ने मेरे नसीब में यहाँ से रिस्क लिखा हुआ है और इसके ऊपर मेरा घर चलना है या जो भी है ये जरिया है, तो मेरा फार्म फूल होएगा, लेकिन मैं झूठ बोल के काम नहीं करूँ। सही बात, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सच बोल के काम किया हूँ, मेरा फार्म फूल है और सच के साथ में ही काम करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। सच्चाई ही बताएंगे ये फील्ड की, जो अच्छाई नहीं बताएंगे, अच्छाई के साथ में सच्चाई भी बताना ज़रूरी है, जो है पार्ट ऑफ बिजनेस है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आपके सब्सक्राइबर है या जो भी नहीं है सब्सक्राइबर, अपना बकरा अड्डा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, भाई को बड़ा करो, बढ़ावा दो और उनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले, मेरी ये कोशिश रहेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।